गाइस, तो आज इस वीडियो में हम लोग ये रिमूवलिविस इन अ जेनरेटरी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो चलिए पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम में क्या करना है। तो प्रॉब्लम में हमको एक जेनरेटरी दिया हुआ होगा, जैसे कि ये जेनरेटरी 1 2 3 4, कुछ नोट्स और बना लेते हैं, 5 6 7 और 8, ठीक है। ये जेनरेटरी दिया है, तो हमको क्या करना है कि इसके जितने भी लीफ नोट्स हैं ना वो हटा देने हैं और जो बचेगा वो ट्री दे देना है। तो इसमें अगर लीफ नोड हटा दें तो कौन कौन से नोड्स बच जाएंगे, 1 रह जाएगा, 2 रह जाएगा, 3 रह जाएगा, 4 तो चला जाएगा, 5 6 7 8 चला जाएगा। तो ये जो फाइनली जो ये बच गया, ये हम लोग को एज अ रिजल्ट देना है वापस, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो क्लियर हो गया है। तो अब चलिए समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है ना, वो ये करना है कि हम लोग को एक नोड तो दिया हुआ होगा रूट नोड, ठीक है। तो जैसे कि इसी ट्री का एग्जांपल लेते हैं, तो रूट नोड क्या रहेगा हमारा, रूट नोड है 1, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि 1 के जितने भी चिल्ड्रंस हैं सबको बोलना है, मतलब 1 के जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनको कंसीडर पहले करना है। तो 1 के जो चिल्ड्रंस हैं जैसे कि 2 3 और 4, तो हम इनको देखेंगे, ठीक है। हम देखेंगे इनमें से कोई लीफ नोड है क्या, मतलब इनमें से कोई लीफ नोड है क्या। लीफ नोड कैसे पता चलेगा हमको कि कोई लीफ नोड है, जैसे यहाँ पर 4 लीफ नोड है हमको पता है। कैसे पता है कि 4 लीफ नोड है, क्यों, क्योंकि 4 का जो चिल्ड्रन है वो कितने हैं, 0 चिल्ड्रन है, इसके लिए हमको पता चल रहा है कि 4 लीफ नोड है। सेम 5 6 7 8 के साथ भी यही केस है, उनके जो चिल्ड्रंस हैं वो 0 हैं, इसके लिए मेरे को पता चल रहा है कि वो लीफ नोड है। और 1 2 3 के चिल्ड्रंस जो हैं वो 0 नहीं है, इसके लिए हमको पता है वो नॉन लीफ नोड है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 से जैसे कि जो भी रूट नोड है उसके सारे चिल्ड्रंस को सामने लाएंगे। तो वो हमारे 1 के चिल्ड्रन कौन कौन से हैं, 2 3 और 4, ठीक है। तो हमने बोला कि 2 से पूछा कि 2 तुम्हारे कितने चिल्ड्रंस हैं, तो 2 ने बोला कि मेरे 2 चिल्ड्रंस हैं। तो हमने बोला ठीक है 0 नहीं है तो तुम सेफ हो। तो 1 ने क्या किया, अपने ट्री में 2 को रख लिया कि 2 रहेगा मेरे ट्री में, ठीक है। अब अगला चिल्ड्रन 3 है, 3 से पूछा तुम्हारे कितने चिल्ड्रन है, 3 ने बोला मेरे भी 2 चिल्ड्रन है। तो उसने बोला ठीक है 3 तुम भी सेफ हो, 3 को रख लिया उसने, ठीक है। अगला चिल्ड्रन कौन है, 1 का, 4, 4 को क्या बोला कि तुम्हारे कितने चिल्ड्रन है, तो 4 ने बोला मेरे तो 0 चिल्ड्रन है। तो उसने बोला इसका मतलब तुम लीफ नोड हो, मैं तुमको मेरे ट्री में नहीं दूंगा। तो उसने 4 को यहाँ पर डिस्कार्ड कर लिया और 4 को नहीं लिया अपने ट्री में, ठीक है। अब 1 के कौन कौन से चिल्ड्रन बच गए, यहाँ पे 4 तो डिस्कार्ड हो गया, तो 1 के 2 और 3 ये दोनों चिल्ड्रन बच गए। तो 1 ने अब क्या बोला, 2 और 3 को बोला कि अब तुम लोग जाओ, तुम लोग अपने लीफ नोड्स को हटा दो। तो अब 2 और 3 के ऊपर यही सेम काम फिर से होगा, ठीक है। तो 1 ने बोला 2 और 3 को कि अब तुम लोग अपने लीफ नोड को हटा दो। तो 2 सबसे पहले गया, 2 ने अपने चिल्ड्रंस को बुलाया, तो 2 के चिल्ड्रंस कौन थे, 5 और 6 सामने आए, ठीक है। तो 5 से पूछा तुम्हारे कितने चिल्ड्रन है, 5 ने बोला 0, तो 2 ने बोला तो मैं तुम्हें डिस्कार्ड कर दूंगा, अपने ट्री में नहीं लूंगा, ठीक है। 2 का अगला चिल्ड्रन कौन है, 6, 6 से पूछा तुम्हारे कितने चिल्ड्रन है, तो 6 ने बोला मेरे भी 0 है, तो 2 ने बोला तो मैं तुम्हें भी नहीं लूंगा। 2 ने 5 और 6 दोनों को डिस्कार्ड कर लिया। ओरिजिनली वो 5 और 6 2 के चिल्ड्रन थे, पर हमारे रिजल्ट में वो नहीं आया, ठीक है। अब 2 का काम हो गया। अब 3, 3 ने अपने चिल्ड्रंस को बुलाया, तुम लोग आओ सामने। तो 3 के चिल्ड्रन 7 और 8 वो सामने आए, ठीक है। तो 7 से पूछा तुम्हारे कितने चाइल्ड हैं, 7 ने बोला 0, तो 3 ने बोला मैं तुम्हें नहीं लूंगा, मेरे आंसर में 7 नहीं आया, ठीक है। 3 का अगला चिल्ड्रन 8, 8 से पूछा तुम्हारे कितने चिल्ड्रन है, 8 ने बोला 0, तो उसने बोला मैं तुम्हें नहीं लूंगा, मेरे आंसर में तो 8 भी नहीं आया, ठीक है। तो अब इस तरीके से सारे नोट्स के ऊपर हम लोग ट्रेवल कर लिए, तो फाइनली जो हमारा ट्री बचा वही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। एक और प्रॉब्लम पे इसको ट्राई रन कर लेते हैं, देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर ट्री कुछ ऐसा होता, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ ऐसा होता, 1 2 3 4, और एक और नोड बना लेते हैं 10 करके, ठीक है। तो अब वापस हम लोग देख लेते हैं कि कैसा चलेगा हमारा। तो हम लोग ये जो रिमूव लीव्स हैं वो 1 वाले पहले नोड से शुरू करेंगे, तो ठीक है। तो पहला नोड क्या बोलेगा कि ठीक है, पहला नोड का आंसर का पार्ट है ही, ठीक है। अब उसने अपने चिल्ड्रंस को सामने बुलाया, चिल्ड्रंस 1 के चिल्ड्रंस कौन कौन से थे, 2 3 और 4 सामने आए, ठीक है। 2 से पूछा तुम्हारे कितने चाइल्ड हैं, उसने बोला 1, तो ठीक है, बोला ठीक है आ जाओ तुम मेरे में रहोगे, क्योंकि ये लीफ नोड नहीं है, क्योंकि एक चाइल्ड है तो इसका मतलब लीफ नोड नहीं है। अगले नोड को बुलाया, 3 को पूछा कितने तुम्हारे चिल्ड्रंस कितने, तो 5 और 6, उसने बोला 2 चिल्ड्रन है, 3 को भी रख लिया, तुम भी आ जाओ। 4 से पूछा कितने चिल्ड्रन है, 4 ने बोला 0, तो 4 को उसने नहीं रखा, तो यहाँ पर 4 नहीं आया, ठीक है। तो अब 1 का काम तो हो गया, तो अब बाकी चिल्ड्रंस कौन से बचे, 2 और 3 बचे, तो 2 और 3 एक एक करके आएंगे। तो
टू की बारी आई, वन के जो भी चिल्ड्रन बच गए, टू और थ्री बच गए ना, वन के चिल्ड्रन पहले कौन से थे, टू थ्री फोर थे, बच कौन से गए, टू और थ्री। तो अब वन ने टू और थ्री को बोला जाओ तुम लोग अपने लीफ नोट्स को हटा कर आ जाओ। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब टू आ गया है, टू ने अपने चिल्ड्रंस को बुलाया, टू का चिल्ड्रन कौन सा है, टेन है, टेन से पूछा तुम्हारे कितने चाइल्ड है, उसने बोला मेरे तो जीरो चाइल्ड है, तो उसने टू ने टेन को डिस्कार्ड कर दिया, यहाँ पर था प्रेजेंट, यहाँ पर था, अब यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, अब अगला थ्री, थ्री आया, थ्री ने अपने चाइल्ड को बुलाया, फाइव और सिक्स दो चाइल्ड आए, थ्री ने फाइव से पूछा तुम्हारे कितने चाइल्ड है, फाइव ने बोला जीरो, तो थ्री ने फाइव को नहीं लिया, इसका मतलब क्योंकि वो लीव नोट था इसके लिए थ्री ने फाइव को नहीं लिया आंसर में। ठीक है, थ्री ने अगले चाइल्ड से पूछा सिक्स है, सिक्स तुम्हारे कितने चाइल्ड है, सिक्स ने बोला दो है, तो थ्री ने सिक्स को रख लिया कि तुम आ जाओ मेरे आंसर में। ठीक है, सिक्स आ गया। अब देखा कि टू वन के चिल्ड्रंस कौन कौन से थे, वन के जो चिल्ड्रंस थे, एक सेकेंड, वन के चिल्ड्रन टू और थ्री ने अपना काम कर दिया, तो अब बचे गया थ्री का एक चिल्ड्रन आया सिक्स, तो इनका काम हो गया। अब थ्री ने क्या बोला, सिक्स को बोला कि ठीक है सिक्स तुम जाओ अपने लीफ नोट को हटाकर आ जाओ। तो फिर जो भी मतलब चिल्ड्रन बच गया, ये पहले कौन कौन से थे, टेन फाइव और सिक्स थे, इनमें से एलिमिनेट होने के बाद एक ही चिल्ड्रन बच गया ना, सिक्स बच गया, तो थ्री ने उसको बोला कि जाओ सिक्स तुम अपने लीफ नोट्स को हटाकर आ जाओ। ठीक है, तो अब सिक्स आया सामने, सिक्स ने अपने चाइल्ड को बुलाया, सेवन और एट। ठीक है, सेवन से पूछा तुम्हारे कितने चाइल्ड हैं, सेवन ने बोला जीरो, तो सिक्स ने सेवन को नहीं लिया, एट से पूछा, एट ने बोला मेरे भी जीरो है, तो सिक्स ने एट को भी नहीं लिया। तो यहाँ पर सेवन और एट थे, और यहाँ पर इस लेवल में सेवन और एट थे, और दोनों ही डिस्कार्ड हो गए, तो यहाँ पर कोई भी नहीं आया। ठीक है, तो अब कोई नया चाइल्ड बचा नहीं, तो अब ये प्रोसेस यहाँ पर जाके खत्म हो गया, और ये जो फाइनली जो ट्री बच गया, यही हमारा जो है लीफ नोड हटाने के बाद वाला ट्री है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी नोड पर हैं तो उसके सारे चिल्ड्रंस को कंसीडर कर रहे हैं, और जिस भी चिल्ड्रन में मतलब जिसके जिसके वो भी लीफ नोड है, मतलब जिसके भी चिल्ड्रन का काउंट जीरो है, उस वाले को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कार्ड कर दे रहे, और बाकी सारे चिल्ड्रंस को हम लोग रख ले रहे हैं, बाकी सारे को रख रहे हैं, और उनके ऊपर वापस से यही फंक्शन कॉल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो भी ये किया है उसको थोड़ा सा कोड में लिख कर आते हैं, और देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं, और अगर सही चलता है तो और भी कुछ चीज़ें जिसको हमें जानने की ज़रूरत रहेगी इस मतलब कोड में, उसको फिर उसके ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, तो पहले जो भी समझा है उसको थोड़ा सा कोड में लिख कर आते हैं। तो फिर यदि थोड़ा फंक्शन है, तो हम क्या कर रहे थे, और आई एन रेंज, हम लोग सारे चिल्ड्रंस के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, तो सारे चिल्ड्रंस के ऊपर ट्रैवल कर लेते हैं, एक सेकंड फुल स्क्रीन कर लेता हूं मैं इसे, चलिए अब इसे लिख देता हूँ। हम लोग सारे चिल्ड्रंस के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, और क्या कर रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि जिस भी चिल्ड्रन, एक चाइल्ड बना लेते हैं, चाइल्ड इज इक्वल टू रूट डॉट चिल्ड्रन ऑफ आई। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे थे, जैसे कि टू थ्री और फोर, वन के लिए अगर चिल्ड्रन कौन कौन सा है, टू थ्री और फोर है, तो हम लोग सबसे पूछ रहे थे किस किसके चाइल्ड जीरो है, टू का वन चाइल्ड था, थ्री का टू चाइल्ड था, फोर का जीरो चाइल्ड था, तो जिसका भी चाइल्ड जीरो था उसको हम लोग उड़ा रहे थे, डिस्कार्ड कर रहे थे, बाकी को रख रहे थे। तो वही करेंगे हम लोग, यहाँ पे चाइल्ड नोड देख लिया, हम लोग चेक करेंगे इफ चाइल्ड डॉट लेंथ ऑफ, इफ लेंथ ऑफ चाइल्ड डॉट चिल्ड्रन इज डबल इक्वल टू जीरो, तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे इस वाले चाइल्ड को, तो डिलीट गुड और चिल्ड्रन ऑफ आई। ठीक है, और जब ये काम हो जाएगा, जैसे कि टू थ्री फोर में से हमने जो नोड हटाना है, तो वन के बाद टू और थ्री बच गया, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, टू और थ्री को क्या बोल रहे थे कि जाओ तुम लोग अपने लीफ नोड्स को हटा दो, तो जो भी नोड बच गए उसके ऊपर यही काम हमको वापस से करना है, तो जो भी नोड्स बच गए, और आई इन रेंज लेंथ ऑफ रूट डॉट चिल्ड्रन, हमको क्या करना है, ये रिमूव लीव्स फंक्शन उनके ऊपर कॉल कर देना है, रिमूव लीव्स रूट डॉट चिल्ड्रन ऑफ आई। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमने सब कुछ सही से लिख लिया कि नहीं, हमने क्या क्या कर लिया, सारे चिल्ड्रंस के ऊपर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अगर हर चिल्ड्रन में, किसी भी चिल्ड्रन में अगर लीफ नोड मतलब कोई किसी भी चिल्ड्रन का अकाउंट अगर जीरो है, किसी भी चाइल्ड का मतलब अगर
कोई भी लीफ नोड है जैसे कि 4, इसका चिल्ड्रन का काउंट क्या है यहाँ पर 0 है, तो वही देख रहे हैं हम लोग। अगर ऐसा कोई नोड है तो उसको हटा रहे हैं हम लोग यहाँ से, नहीं तो, और जो जो नोड्स बच गए जैसे कि 2 और 3 बच गए, तो उनके ऊपर हम लोग क्या कर रहे थे, फिर से यही रिमूव लीव करने के लिए बोल रहे थे कि तुम लोग अपने लीव्स को रिमूव कर दो, तो वो हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमने सब कुछ लिख दिया, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या ये चल रहा है सही से या नहीं। तो ये सही से चल रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं। ये सारे टेस्ट केसेस पास कर रहा है, तो ये सॉल्यूशन सही है। तो अब इस सॉल्यूशन तो सही है, लेकिन अभी इसमें कुछ चीज़ें और हमें समझनी चाहिए, तो अब हम उसे समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें और समझने की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं जाता हूँ, ये कोड यहाँ से लेकर आता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये कोड आ गया यहाँ पर, अब समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ समझने। पहली चीज़ जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि मैं क्या कर रहा था, 1 पे था, तो 1 के जो भी चिल्ड्रंस हैं 2, 3, 4 कंसीडर किया, और मैं सबके चाइल्ड नोड्स चेक कर रहा था। तो जैसे कि 2 का 1 चिल्ड्रन है, 3 का 2 चिल्ड्रन है, 4 का 0 चिल्ड्रन है, और जिसका 0 चिल्ड्रन है उसको मैं हटा दे रहा था। ठीक है, तो मैं 1 के चिल्ड्रन कौन कौन से हैं, 2, 3 और 4। ठीक है, तो मैं लेफ्ट टू राइट ट्रैवल कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो मैंने कोड में लिखा है, मैं क्या ट्रैवल कर रहा हूँ, जो चिल्ड्रंस है ना 4, 3, 2, राइट टू लेफ्ट, उनके ऊपर ट्रैवल करके चेक कर रहा हूँ। तो ये लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करना या राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करना मैटर करता है क्या, कि हम चिल्ड्रन के ऊपर किसी भी ऑर्डर में करें काम तो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये राइट टू लेफ्ट ट्रैवल करना मैटर करता है, यहाँ पे जरूरी है इस तरीके से ट्रैवल करना, क्यों वो देखिए वो बताता हूँ क्यों। इससे होगा क्या कि जैसे कि समझते हैं कि ऐसा समझते हैं कि अगर हमको सिर्फ ये टास्क नहीं होता, हमको एक टास्क सिर्फ ऐसा दिया हुआ होता कि ये कह रहे दिया हुआ है, और इसके अंदर कुछ सारी इवन वैल्यूज है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसा करके देकर रखा है। ठीक है, और हमको बोला है कि इस ये जो 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 इवन है ना, जहाँ जहाँ पे वैल्यू, उस सबको डिलीट कर दो। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे। आई की वैल्यू क्या रहेगी, 0 से शुरू होगी, काउंटर 0 से शुरू होगा। हम लोग चेक करेंगे कि पहली वैल्यू 0 है क्या, तो हमने देखा कि हाँ 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको हटा देंगे, और आई की वैल्यू क्या कर देंगे, 1। ठीक है, तो अब हमारा एरे क्या हो गया, अब हमारा एरे कुछ ऐसा हो गया, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, और इंडेक्सिंग कर दें तो 0, 1, 2, 3, 4। अब हमारे आई की वैल्यू क्या है, 1। हम लोग 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट चेक करेंगे कि ये 0 है क्या, सॉरी मतलब इवन है क्या, तो 1 एलिमेंट, 1 इंडेक्स वाला इवन है तो ये हट जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज मिस हो गई, क्या पता है, ये 4 वाला भी इवन था लेकिन ये बच गया। क्या वो कैसे बच गया, क्योंकि हमने एक एलिमेंट को हटा दिया जैसे ही, तो साइज कम हो गई, तो सब एलिमेंट एक आगे शिफ्ट हो गए, तो ये जो ये वाला एलिमेंट है ना उसकी चांस ही नहीं आई, वो स्किप हो गया। वो क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग डिलीट भी कर रहे हैं, और हम लोग मतलब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, और हम लोग डिलीट भी कर रहे हैं, इसकी वजह से ये एलिमेंट ऐसा स्किप हो गया। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर भी आ सकती है, जैसे कि 2, 3, 4 है, 2, 3, 4 था, हो सकता है कि पहला एलिमेंट ही हमको डिलीट करना होता, मतलब हो सकता है कि 2 का यहाँ पर चाइल्ड नहीं होता, तो हम लोग 2 को डिलीट कर दे, फिर हम लोग आगे बढ़ते, तो हो सकता है कि 3 वाला जो नोड है वो स्किप हो जाता, तो ऐसा स्किपिंग वाला केस ना हो इसके लिए हमने क्या किया, हम लोग पीछे से मूव करना शुरू कर दिए। हम लोग ने क्या किया, आगे से नहीं पीछे से मूव किया, एक एक करके पीछे से मूव करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। कैसे, देखिए पीछे से अगर हम लोग मूव करेंगे तो आई की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू होगी, आई इक्वल टू 5 से शुरू होगी। पहला एलिमेंट देखा कि इवन है क्या, हाँ इसको हटा दो, हट गया। अब हमारा एरे किससे, ये 5, 4 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये जो एरे था ये छोटा हो गया, 2, 4, 6, 8, 10 हो गया। ठीक है, अब आई इक्वल टू 4 चेक करेंगे, आई इक्वल टू 4 इवन एलिमेंट है, ये भी हट गया। ठीक है, अब आई की वैल्यू 3 हो गई, अब आई ये एरे और छोटा हो गया, अब ये हो गया 2, 4, 6 और 8। अब आई इक्वल टू 0, 1, 2, 3 वाला एलिमेंट चेक होगा, ये हट जाएगा, अब ये और छोटा हो जाएगा, 2, 4, 6 ये हट जाएगा। एक एक मतलब देख रहे हैं, एक एक करके सारे एलिमेंट हट रहे हैं यहाँ पर, ऐसा स्किपिंग वाला केस नहीं आ रहा है हम लोग अगर राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो। ठीक है, तो वही वाले केस को इंश्योर करने के लिए यहाँ पे हमने रिवर्स मूव किया है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट मूव किया कि कोई नोड मिस ना हो जाए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। अब कुछ पॉइंट और है जो मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि यहाँ पर ये देखिए हमने क्या किया कि 1 के जितने भी नोड्स हैं ना, 2, 3, 4, हमने क्या किया कि इसमें से चेक किया कि कौन से मतलब किसका 0 चाइल्ड नोड, जैसे कि 4 का 0 है, तो हमने क्या किया पहले 4 वाले को यहाँ से डिस्कार्ड कर दिया था। तो हमने कुछ ऐसा कर लिया था, अपने हिसाब से हमने पहले 4 को डिस्कार्ड कर दिया था, 1, 2, 3 बना लिया था,
और फिर 2 और 3 को बोला कि तुम लोग अपने लीफ नोट्स को हटा दो, मतलब ये जो ये रिमूव लीव्स वाला फंक्शन है ना, ये हमने पोस्ट ऑर्डर में कॉल किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग गलती कर देते हैं, क्या करते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है ना रिमूव लीव्स वाला, वो प्री ऑर्डर में कॉल कर देते हैं। मतलब ये लाइन यहाँ पर ना लिख के, यहाँ पहले बच्चे यहाँ पर, मतलब बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं कि ये रिमूव लीव्स वाला जो फंक्शन है रिमूव लीव्स, ये ऊपर लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं। लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत रिजल्ट देगा। कैसे गलत रिजल्ट देगा, हम लोग ट्रायल रन करके देखते हैं कैसे गलत रिजल्ट देगा। यही वाला ट्री लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और इधर भी एक नोड था 7 करके, ठीक है। अब इसी के ऊपर हम लोग ये वाला जो रिमूव लीव्स वाला जो है इसको प्री ऑर्डर में चलाते हैं। मतलब ये वाला जो लाइन है रिमूव लीव्स वाला, ये लाइन पहले लिखा होता है, यहाँ पर लिखा होता, उसके बाद ये वाला लाइन लिखा होता, तो ये ट्री कैसे काम करता वो देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 1 से शुरू करते। 1 क्या करता, अपने जितने भी चिल्ड्रंस हैं 2 3 और 4, 2 के पास जाता, 1 2 के पास जाता, उसको बोलता तुम अपने लीफ नोट हटा दो। तो 2 क्या देखता कि 2 का लीफ नोड क्या है 7, तो 2 7 को हटा देता। तो ये ट्री अभी तक कुछ ऐसा बन गया है, ठीक है। फिर यहाँ से लौट के हम लोग आए, ठीक है। अब हम लोग 3 के पास गए, 3 को क्या, 3 अपने लीफ नोड्स को हटा देता, तो 3 ये 5 और 6 दोनों लीफ नोड्स हैं, तो 3 दोनों को ही हटा देता, ठीक है। हम लोग यहाँ से गए, यहाँ से गए, 4 के पास गए, अब 4 का तो कोई चिल्ड्रन है नहीं, तो हुआ नहीं, ठीक है। अब हम लोग पोस्ट ऑर्डर में 1 के पास गए, ठीक है। अब 1 क्या देखता, अपने लीफ नोड्स को हटा था, अब इसके पास क्या है 2 3 और 4, ये तीनों ही लीफ नोड है, तो 1 इन तीनों को ही डिस्कार्ड कर देता। तो क्या बचता, फाइनली आंसर हमारा ये आता अगर हम लोग प्री ऑर्डर में ये काम करते, तो 1 खाली एक रूट नोड बचता, ठीक है। तो ये गलत आंसर है, तो इसके लिए जो रिमूव लीव्स वाला फंक्शन है इसको पोस्ट ऑर्डर में लिखना जरूरी है, तो ये भी मैटर करता है। तो यही बातें थी जो मैं, और कुछ चीजें थी जो मैं बताना चाहता था कोड के साथ, तो वो ये दोनों पॉइंट था। एक तो कि ये रिवर्स लिखना क्यों जरूरी है मतलब यहाँ पर, और ये पोस्ट ऑर्डर में ये फंक्शन कॉल करना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को सारी बातें इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग।